एक बार की बात है कि एक किसान खेत में हल जोत रहा था। हल चलाते हुए वो एक ऊंचे पेड़ के पास से गुजरा तो वो खुद से कहने लगा, अब तो मैं बूढ़ा हो गया। एक ज़माना वो भी था जब मैं सरपट पेड़ पर चढ़ जाया करता था बड़ी फुर्ती से और ऊंची शाख तक पहुंच जाया करता था। अब मेरे बस की बात नहीं है, घुटनों में दर्द होता है, शरीर कमज़ोर हो गया। ये बात उसका बैल सुन रहा था। उसके बैल ने कहा कि तुम अब भी इस पेड़ पर फुर्ती से चढ़ सकते हो, इसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। किसान ने कहा, ऐसा कैसे संभव है, मेरी तो इतनी उम्र हो गई, मैं ये हली मुश्किल से चला रहा हूँ। बैल ने कहा कि है तो कठिन काम, लेकिन तुम फिर से वैसे ही जवान हो सकते हो कि तुम इस पेड़ फुर्ती से चढ़ जाओ। किसान ने कहा कि बताओ क्या करेंगे। बैल ने कहा, कठिन काम है थोड़ा सा, जो हम ये गोबर करते हैं ना दोनों, इसको तू थोड़ा सा खाया कर। अब किसान ने कहा कि ये कैसी मूर्खता है, क्या वाहियात बातें कर रहे हो तुम। बैल ने कहा, आजमा के तो देखो एक बार। अब किसान इस चीज़ को देखना चाहता था, इसलिए उसने ये प्रयोग शुरू कर दिया। रोज़ाना गोबर खाना शुरू किया। अगले ही दिन उसके शरीर में ताकत महसूस हुई। 15 दिन बाद ही उसने देखा कि वो बहुत ही युवा की तरह शक्तिशाली हो गया था और दौड़ करके पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़ने के बाद वो उसने देखा कि जहाँ वो पहुँचा था उससे भी ऊपर एक आदमी पहले ही चढ़ा हुआ है। अब उससे देखा नहीं गया और उसके पास गुलेल थी, उसने गुलेल से निशाना साधा और उस आदमी को नीचे गिरा दिया। कहानी ख़त्म होती है। कहानी का मोरल ये है कि गोबर खा के आप शिखर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन वहां रह नहीं सकते। By eating bullshit, you can reach the top, but you cannot stay there. जो लोग शॉर्टकट अपनाते हैं ज़िंदगी में, वो हो सकता है सफल होते हुए दिखाई दें, लेकिन ऐसी सफलता कभी भी स्थायी नहीं होती। स्थायी रहने वाली सफलता मूल्यों का पालन करने से आती है, कुछ सिद्धांतों का पालन करने से आती है। और जो लोग दूसरों को गिरा करके या व्यापार में धोखाधड़ी करके अमीर बन जाते हैं, वो उसी तरह वापस नीचे भी आ जाते हैं जैसे कि शिखर पर पहले वाला किसान था। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन अच्छा गुजरे। नमस्कार।